पूर्वतन प्रधानमंत्री स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी पंचम श्राद्धवार्षिकी 2018 मसीह अगस्त 16 तारीख में वाजपेयी देहांत घटीला। दिल्ली रो एम्स रे दीर्घ दिन असुस्थ होगा पर वाजपेयी 93 वर्ष बयस देहांत घटीला। उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी का भी आगमन हो चुका है प्रार्थना सभा में। एक अपराजेय वक्ता, एक संवेदनशील कवि और एक विचारवान लेखक के साथ साथ अटल जी बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। इंसानियत के थर्मामीटर की सर्वोच्च डिग्री तक उनके हृदय का पारा पहुंचता था। वे जन जन से प्रेम करने वाले जननायक थे। अटल जी का व्यक्तित्व पूनम की चांदनी जैसा मन भावन था। आकाश के सप्तर्षि मंडल को तो आप सभी देखते ही होंगे, वह ध्रुव नक्षत्र की परिक्रमा किया करता है। श्रद्धे अटल जी भारतीय राजनीति गगन के ध्रुव नक्षत्र बन गए हैं। हम अपना मस्तक आत्मगौरव के साथ तनिक ऊंचा उठाकर देखें। विश्व के गगन मंडल पर हमारी कलित कीर्ति के असंख्य दीपक जल रहे हैं। भावी की अनगिनत घड़ियां हमारी विजय माला की लड़ियां बनने की प्रतीक्षा में मौन खड़ी है। विचारों के अनमोल मोती और किसी के हो ही नहीं सकते श्रद्धे अटल जी के। वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संकल्प शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की राजनीतिक कुशलता और आचार्य चाणक्य की दृढ़ निश्चयी बुद्धि के प्रतीक थे। माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर पधार चुकी हैं प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति महोदया, अटल जी ने विश्व की ताकतवर शक्तियों के विरोध के बावजूद दिलेरी से पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण कराया। पोखरण ने एक बार फिर सारी दुनिया को झकझोर दिया था। उन्होंने कहा था कि पोखरण में केवल अणु ऊर्जा का ही नहीं, राष्ट्र की ऊर्जा का भी प्रकटीकरण हुआ है। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी अब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सामने की दर्शक दीर्घा से निवेदन है, कृपया भजनों के उपरांत माननीयों के प्रस्थान करने के बाद ही पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आगे आए। माननीय राष्ट्रपति महोदया, विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई श्रद्धेय अटल जी को। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता बोलते हुए श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय पुष्पांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। स्वयं श्री शिव मंगल सिंह सुमन ने अटल जी के बारे में कहा था कि ऐसा संवेदनशील कवि जो संघर्षशील योद्धा भी है, चुनौतियां भी देता है और विद्रोह भी करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है श्रद्धेय अटल जी को। आज अटल जी हम सबको बहुत याद आ रहे हैं। हमेशा से वो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं।
माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने पुष्पांजलि अर्पित की और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, और अब उपसभापति हरिवंश राय जी, अटल जी के परिवार के सदस्यगण, रिस्पेक्टेड नमिता जी, रिस्पेक्टेड श्री रंजन भट्टाचार्य जी, और सभी गणमान्य एनडीए के माननीय सदस्यगण, आज हमारे बीच में प्रार्थना सभा में संगीतमय श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं पवनदीप जी। पवनदीप जी टीवी का जाना महना पहचाना नाम, चेहरा और आवाज हैं। युवाओं में संगीत की बड़ी लोकप्रिय लहर हैं आप। आप टीवी रियलिटी शोज के विजेता हैं। आपकी खासियत है कि आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं और कई वाद्य यंत्र बजाते भी हैं। आपने कई एल्बम्स भी बनाए हैं। आप मूलतः उत्तराखंड से हैं, तो आइए सुनते हैं आपके सुर में श्रद्धेय अटल जी को एक संगीतमय श्रद्धांजलि। टीवी का जाना माना नाम, चेहरा, आवाज, पवनदीप जी। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम देवे तेज आपने देखुले सीधा सड़क दृश्य। आज पूर्वतन प्रधानमंत्री स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी पंचम श्राद्धवार्षिकी और श्राद्धवार्षिकी में समस्त बड़ बड़ नेता और मंत्री मैंने उपस्थित रही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पुष्पमाल्य अर्पण करने सहित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पुष्पमाल्य अर्पण कर देखुंत सीधा सड़क दृश्य। आज हूँ स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी पंचम श्राद्धवार्षिकी श्राद्धवार्षिकी प्रार्थना सभा रे समस्ते उपस्थित रही तांको पुष्पमाल्य अर्पण करछन्ते। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम रे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी पंचम श्राद्धवार्षिकी 2018 मसीह अगस्त 16 तारीख में वाजपेयी देहांत घटीला। दिल्ली एम्स दीर्घ दिन अस्वस्थ रहा वाजपेयी 93 वर्ष बयस देहांत होता। अटल बिहारी वाजपेयी 1924 मसीहा डिसेंबर 25 तारीख ग्वालियर एक ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण करते। बापा कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माँ कृष्णादेवी आज पंचम श्राद्धवार्षिकी श्राद्धवार्षिकी बड़ बड़ विशिष्ट नेता सहित मंत्री मैंने पुष्पमाल्य अर्पण कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति एवं बाचस्पति पुष्पमाल्य अर्पण कर सीधा सड़क दृश्य आपने देखिपार। तो क्या कोई
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।